ये विभू, तुमने मेरी सीट तिवारी जी के साथ करा दी। He's flying for the first time, पहली बार फ्लाई कर रहे हैं। और तुम क्या, तुम तो ग्लोब ट्रॉटर हो, तो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल रहेंगे, इसलिए मैंने सीट तुम्हारे साथ करा दी उनके। पूरे रास्ते मुझे पका देंगे। अगर पकाएंगे तो डांट देना, चुप हो जाएंगे, डरते हैं तुमसे। नहीं नहीं नहीं, मैं अंगूरी जी के साथ बैठूंगी बस। तो ठीक है, तुम बैठो। अगर मैं बैठा तिवारी जी के साथ तो बड़ा फड्डा हो जाए, तो मुझसे बदतमीजी करें, उसे बर्दाश्त नहीं होगा। I'll give it back to him, फिर झगड़ा हो जाएगा, हाथापाई हो जाएगी, फिर बोलना नहीं मुझे। ठीक है, बैठ जाऊंगी तिवारी जी के साथ, लेकिन देखो तुम टाइट में कोई ड्रामा मत करना। बाबा नहीं करूंगा बस। अंगूरी जी पहली बार टाइट में ट्रैवल कर रही हूँ, उनका तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा। रखूंगा ना, उनका पूरा ख्याल रखूंगा। अरे भाभी जी, अरे भाभी जी, क्या भाभी जी, आप भी कितना तलाशा मैंने, पूरा एयरपोर्ट छान मारा, लेकिन आप नहीं मिली भाभी। लेकिन आप कहाँ मर गए थे, मतलब आपका रह गए थे। हाँ रह गए थे क्या? अरे यार, वो हप्पू सिंह जो है कब से बाथरूम में घुसा बैठा, तो उसकी वजह से लेट हो गए। अरे ये हप्पू सिंह को हुआ क्या? जब वो टिकट की लाइन में भी खड़ा था तो टिकट तुम्हें पकड़ा के कहाँ भाग गया था? ये भी पहली बार फ्लाई कर रहा है ना, थोड़ा नर्वस है, ही इज शूटिंग ब्रेक्स। भाई आपको अंदाजा है कि आपकी बेगम किधर है? जी बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है, वहाँ बैठी है। तो चलिए वहाँ बैठते हैं ना, फिर क्या करना है? के साथ बैठना चाहिए ना, वो वैसे भी इतना डर रही है, हम क्यों अकेले कैसे छोड़ के आ गए? छोड़िए भाभी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। यार टीका, हाँ जी, हवाई जहाज कब आएगा यार? कब से एयरपोर्ट पे घूम रहे यार, कब बैठेंगे हवाई जहाज के अंदर? अरे आ जाओगे, आ जाओगे यार, वो तो लगता है वो ट्रैफिक में अटक गए। वो कमाल कर रहे हो, बकवास कर रहे हो फालतू की। अबे अबे टीका मलका, सामने देखो वो कितनी सुंदर लौंडिया बैठी हुई है। यार वो तुम दोनों की भाभी आ गई। बकवास कर रहा है, तमीज सरा करो तुम दोनों मेरे सामने, छिछुरी हरकतें मत करा करो। हाय लल्ली साले करवे। हाथ होते बोल। अबे तोते नहीं, तुझे तोते बोला, तोता है ना, मुझे इतने तोता बोल। बात बता क्या हुआ। हाँ तामोदया, तमाम ता रहता है। और दे दे अटुन, दीदी तो तुझ पे तत् तो नहीं वाह। गुड, आप फोन रख, फोन रख। तोली काम हो दे। सामान कहाँ रखा है बॉस? लेन में धुते था, लेफ्ट साइड में पहले बाथरूम के अंदर। तमोद और दां बहते ना उत्ते पीते, एक ब्राउन पाउच के अंदर सामान पड़ा है। ओके बॉस। ताला भी। अरे दादा, भैया भैया जो बताओ यार, जो हवाई जहाज कितनी देर में उड़ेगो? क्या होता? अरे ठहर जाओ यार। अरे अरे सारे यारो, इंसानियत भी कछु चीज होती है। अरे दरोगा जी, क्या हो गया, पेट पकड़ के क्यों खड़े हो? बच्चा बच्चा तो नहाने वाला। अरे मुंह बंद कर ले। तो बताओ यार, हवाई जहाज कितनी दूर पे है? येरो येरो सामने। अरे छोड़ो यार, निकल लो, निकल जाइए बंदा। दरोगा जी, हाँ? अरे उधर कहाँ जा रहे हैं, इधर चलिए, बोर्डिंग इधर से है, टेक ऑफ का टाइम हो गया है, जहाँ छूट जाएगा आपका, चलिए। सक्सेना जी तुम समझो, ये तो हमें जल्दी है, पेट में मरोड़े हो। अरे नहीं 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 नहीं, आप इस देश के कानून के रखवाले हैं, आपको मैं ऐसे नहीं छोड़ दूंगा, आपको फ्लाइट मिस नहीं होने दूंगा मैं। आइए आप, तुम समझो, हमें छोड़न दो, हमें जान दो। अरे आपने पूरे पैसे भरे हैं दरोगा जी, आपकी फ्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए। आइए आप। बहुत तक छूट जाए वो। अरे दादा, आई लाइक इट। वेलकम सर, वेलकम मैम। Could you tell me, this is my seat number 55, is it? Oh, this way. Okay. Oh, oh, and enjoy with your wife. Hi, Diya, ये हमरे पति ना आए हैं, हमरे पति तो वो आ रहे हैं। भाभी जी इतनी बड़ी गलती नहीं कर दी, आप करेक्शन कर रही हैं उसकी। It's okay, hi, let's go. Ah,
सुनिए भरभूति जी, हम यहाँ खिड़की के पास बैठेंगे। हाँ भाभी जी, पूरा एयरक्राफ्ट आपका है, अब जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको आगे वो पायलट जहाँ बैठते हैं ना, कॉकपिट वहाँ बैठा दूँ। और ना ही वो जो चलाता है, ना ही हमको वहाँ बहुत बहुत डर लगेगा। बैठे बैठे बैठे। हाँ ठीक बा। चैनल स्पर्श भाई माँ। आप खुश रहिए सक्सेना जी। हेलो भैया। मेरे चिराग यहीं बैठेगा। अभी बैठने वाले? हाँ यही मेरी सीट है। क्यों? अब एक काम कीजिए, आप पीछे जाके बैठिए। क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि यहाँ बैठ के आप मुझे पकाएंगे इसलिए। और आप मेरी भाई माँ को जो पकाएंगे उसका क्या? देखिए भैया, एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मेरे होते हुए आप मेरी भाभी माँ को नहीं पका सकते। आई लाइक इट। वेलकम सर, एंजॉय विद योर सिस्टर। भाभी जी हमारी। चलिए चलिए। किस एंगल से आपको ये हमारी सिस्टर लगती है? हैं? ये भाभी जी हमारी भाभी जी सिस्टर बना के रख दिया, ये क्या बात हुई? अर्जुन जी, क्या हुआ? इट्स ओके ना, उन्हें क्या पता, ऐसा कौन सा ब्लंडर कर दिया, ऐसा होता है? इससे बड़ा ब्लंडर क्या होगा? चलिए बाप मेलो, ड्रामा मत कीजिए, चलिए ओवर रिएक्ट करते हैं आप हर चीज पे। आइए भाभी। वेलकम सर। नमस्कार। वेलकम मैम। थैंक यू। सुनिए मैडम, हमें ये दो कॉर्नर वाली सीटें मिल सकती? तिवारी जी, यहाँ फिल्म देखने नहीं आए जो आपको कॉर्नर की सीट चाहिए। आई थिंक ही इज सिटिंग ऑन आवर सीट। वेलकम सर। अरे सर, वो तो इकोनॉमिक क्लास है, आपका तो फर्स्ट क्लास ऊपर है सर। भाई जी वो देखिए, वो एयरपोर्ट। जी हम एयरपोर्ट पे ही हैं। अनु बेबी इधर संभाल के बैठना, इनके बगल में बड़े पका हुआ आइटम है, चार जाएंगे तुम्हें। ज्यादा बकवास मत कीजिए, हमें डर है कि आप अंगूरी को हमसे ज्यादा पकाएंगे, समझे? एक्सक्यूज मी, आप इन तो त्यों मान ले। अभी एक मिनट, आप कौन है? हाँ, इनके वकील हैं क्या आप? नहीं, देखिए मैं एक इंसान हूँ। अगर इंसान हैं, तो इंसानियत के पजामे में रहिए, बाहर मत आइए। अरे अभी मैं कहाँ निकला हूँ अपनी इंसानियत के पजामे थे। अपने पजामे थे तो आप दिल रहे हैं बाहर। What is this? Is this the way to behave in an aircraft? ये तुम्हारी मॉडर्न कॉलोनी की गली नहीं है, ज्यादा झगड़ा करोगे डीप्लेन कर देंगे। अरे लेने दीजिए भेंदी, लेने दीजिए, थोड़ी दिल में दे, खुद मेरे पहलू में गिल के मुझसे माफी मान रहे होंगे। I like it. अभी देख, अबे तुतले, माफी मांगेगी मेरी जूती? तू है कौन, तू कलेक्टर है क्या? है? खुद ब खुद एहसास हो जाएगा तो कि आपने तिथे बंदा लिया है। तूने क्या बोला बेबी, क्या बोला, क्या बोला बेबी, तूने क्या बोला बेबी, क्या बोला? प्लीज शांत हो जाइए सर। एक्सक्यूज मी, आई लाइक इट। वेलकम। हेलो, हाय, इज देयर मच वाटर इन टॉयलेट? जी, ये फ्लाइट के पैखाना में बहुत सारा पानी बा बाबूजी। अरे दादा। हेलो सर, फ्लाई सेफ एयरलाइंस में आपका स्वागत है। बहुत बढ़िया, तुम आओ स्वागत को घुइया की खेत में। तुम जो बताओ बाथरूम कहाँ है? सर बाथरूम तो वहाँ है, लेकिन अभी आप उसे यूज नहीं कर सकते। जो मैडम जी, जो का मतलब है? सर तो पूरे पैसे दिए हमने, हम बाथरूम यूज का ही नहीं कर सकते। सर एक्चुअली क्या है, जब तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हो जाती आप बाथरूम यूज नहीं कर सकते सर। देखो मैडम, ऐसी सिचुएशन पे आप टेक ऑफ की बातें कर रही हो, आपकी टेक ऑफ के चक्कर में हाँ हमारी लैंडिंग हो जाएगी। अरे भाई बाहर आ जाइए, दूसरों का भी नंबर लगने दीजिए।
करीना। ए छेड़ जाना यार तुम, एक तो हमारा ससुर पहले से पेट गड़बड़ है, तुम्हें सारे अपनी पड़ी है। इतना खा क्यों लेते हैं आप? चुप करो यार तुम, जा मरो। अरे यार, एक्सक्यूज मी प्लीज, कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज, मुझे थोड़ी अर्जेंसी है प्लीज। कमाल यार, जिसको देखो अर्जेंसी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके जय, थैंक यू, थैंक यू। बस इतनी अर्जेंसी थी? नहीं नहीं, वो अंदर थे, आबो हवा बहुत डेंजरस, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। आई लाइक इट, ये ऐसी आबो हवा मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। आप अंदर दाए रहे हैं ना, जब आप दाए रहे हैं तो मेरा थोड़ा सा काम कर दीजिए। ये तमोद के पीछे ना मेरे दोस्त का एक ब्राउन कलर का पाउच गिर दिया है, वो ला दीजिए प्लीज। इफ यू डोंट माइंड। आई नॉट जेंटलमैन, जस्ट वेट फॉर मी। ओके, आई लाइक इट, सामान ले आया हूँ। तो ढाबा खोल दे, ढाबा बोल दे। अब टाइम आ गया है। मम्मी, इस प्लेन तो भी अभी धक्का लेना था। अब क्या करें बॉस? तरना क्या है, हमारा थामान वो दोरी औरत के थीत के नीचे तला दिया है। जा दाते ले त्या। ओके बॉस। बाहर का मौसम खराब है तो कृपया अपनी सीट पे बैठे रहें और अपनी सीट बेल्ट बांध लें। आजा। ओ कैप्टन डार्लिंग, छोड़ो ना, कोई देख लेगा। यस सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बस आपको देखने की ना इच्छा है रही थी। इतने देर से बार बार परेशान कर रहा है, चुपचाप यहाँ बैठ जा वरना नीचे धकेल दूंगी कुत्ते। अरे दादा, मर गओ। इसका मालूम नहीं चल रहा है कि ये फ्लाइट में आया है या जंगल में आया है। एक्सक्यूज मी, आप तो नहीं लग रहा कि आप आधे अधूले से आ गए हो बाथरूम से? आधे अधूरे को काम मतलब है को? मतलब आप अपने नीचे देखो। अरे दादा, भाभी जी, इन्होंने क्या पैंट नहीं पहन रखी थी? अच्छी बात नहीं है भी। इसे कहाँ घूम रहे हैं? ऐसी है बस। एक्सक्यूज मी मैडम। Yes.
मेरा कुछ सामान आपके पास पड़ा है। What? मेरा मतलब आपके नीचे, आपके सीट के नीचे गिर गया है और खिसक खिसक के यहाँ तक पहुँच गया। आप प्लीज वो जरा दे देंगे मुझे? तिवारी जी, इनका कुछ सामान यहाँ हमारी सीट के नीचे पड़ा है, दे दीजिए ना। जी भाभी जी, थैंक यू। इस पाउच में आपका सामान? जी, इस पाउच में दीजिए। अरे यार, ये तो बहुत भारी है, क्या है इसमें? अभी दिखाता हूँ इसमें क्या है। इसमें दे I like it. क्या हुआ? ए तल तल, पीछे पीछे चलो चलो। इसे दन बोलते हैं। इसमें से तोली चलती है दन दन दन। तो श्रीमान, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों तो ये सुनते बहुत दुख होगा कि आपका ये दहात हाईजैक हो चुका है। व्हाट? हमारा प्लेन हाइजीनिक हो गया। अभी जी, वो हाईजैक बोल रहा, आप हाइजीनिक बोल रही है? मुझे लगता है आप जानबूझ के करते हैं। इस हाईजैक हाईजैक ऐसे ही पकड़े हैं। So adorably cute, I swear to God. क्यों कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं आप? हाँ? चुप रहिए, छोटे बच्चे हैं आप। सो रहे हैं यहाँ पर दहाड़े मार मार के। आपने ये प्लेन हाईजैक क्यों किया है? क्यों? क्यों तीन? ये जो थलका लेना, ये हमारी बात प्याल से मानी नहीं दी। हमने कितनी बार फोन किया, कितनी बार फोन किया कि हमारे आदमियों को छोड़ दो, पर नहीं, ना ना, जब भी फोन किया या तो हमारा फोन उठाया ही नहीं, या फिर एक गंदी ताली देकर फोन रख दिया मजबूरी में। ये रास्ता अपनाना पड़ा। तो आप उनका प्लेन हाईजैक कीजिए जो आपकी बातें नहीं मान रहे हैं। आपने हमारा प्लेन क्यों हाईजैक किया यार? कम ऑन। ए हीलो, दादा बतवा तने की तोचित मत कर, वरना तेरे मुंह में इतना पीतल भर दूंगा ना कि जब तू थाथे था तो डोलिया निकलेंगी, और जब तू ना थुनकेगा तो एक मिनट, इतना डिस्क्रिप्टिव होने की जरूरत नहीं, मैं समझ गई, इट्स ओके। आई लाइक इट। क्या, क्यों बोले जा रहे हो बार बार, क्यों बोले जा रहे हो, जब पता है कि ये शुरू से तुमसे रूठा हुआ है। All right. I'm sorry, everybody. I'm sorry. Tali, अब तो ये बोले या तुप रहे, मैं इसे खोलूंगा नहीं। इस दहात से सबसे पहले इसे धक्के मारूंगा। मम्मी। Yeah. अब मम्मी पापा याद आ ले, पहले तो बहुत तर 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 दबान चल रही थी, बहुत बतवा चल रहा था तू। प्लीज भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पता थी, मुझे नहीं मालूम था कि आप इस लेवल के आतंकवादी हैं। I'm really sorry. अरे भाई, ये इतना शोर शराबा क्यों है? अदिया, ये हमरे प्लेन का ड्राइवर बाहर का कर रहा है, तो फिर हमरे जहाज कैसे चल रहा है? मैडम जी, बस भगवान भरोसे चल रहा है जी, प्लेन इस वक्त चल रहा है ऑटो पायलट पर। ऑलराइट, अंका होता है भाभी जी, इस वक्त भी आप बौड़पने के सवाल पूछ रहे हैं। इसे डर अपन बाद में करेंगे ना भाभी जी, सर लॉन्ग फ्लाइट, लंबी फ्लाइट है। ऑलराइट, जस्ट टेक इट इजी। अतीक बाम को बताइएगा जरूर। हाँ, आप यहाँ ध्यान दीजिए। कमिश्नर साहब, मतलब कमिश्नर साहब, मैं विभूति नारायण मिश्रा बोल रहा हूँ। क्यों मजाक कर रहे हो यार? विभूति नारायण मिश्रा उतरना है, उसके पास जहाज के टिकट के पैसे कहाँ से आएंगे? नहीं सर, ये टिकट के पैसे तो चाचा जी ने दिए थे। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, व्हाट्स योर गुड नेम? बॉथ। बॉथ ने हमारा प्लेन हाईजैक कर लिया और हम सब की जान बहुत खतरे में है, तो प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज कुछ कीजिए। हाँ, दुएगा वो एक। ए ए, यहाँ तो लोल है, उससे बात कर तू। हाथ
तू हट। ये बहुत लोला है इधर, डरा हुआ है सब। बातल बातल। हाँ कमिश्नर साहब, हम मनमोहन तिवारी बोल रहे हैं। देखिए हम पहली बार रथ यात्री प्लेन में यात्रा कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये यात्रा हमारी अंतिम यात्रा हो जाए। हेलो कमिश्नर साहब, दिस इज अनीता मिश्रा स्पीकिंग। हाँ हाँ भाभी जी, कहिए 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 भाभी जी। कमिश्नर साहब देखिए, आप जो भी फैसला लें सोच समझ कर लें, आखिर ये हमारी देश की सुरक्षा का सवाल है। फोन दे दा देश से तुलता। मैं थोड़ी देर बाद आपसे फिर फोन करूंगा, तब तक आप तो जितने बात करनी है तल लीजिए और मिले लोगों को आदमियों को थोड़ने की तैयारी कीजिए, वरना इन सारे पैतंदरों से तिलिया तलम की तैयारी तलते रहती है। भैया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं थोड़ी देर बाद फिर फोन कर लूंगा बाल। तब तक ले दिन हम लोग क्या करें? बस थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। डोली योर लाइट, योर लाइट लेटिन किस्तो नताए। हम नाच लेंगे, बहुत अच्छा नाचते हैं हम। जे भालू को डांस ना बहुत जबरदस्त करते हुए। लोग देखने दो तितो नताए। हाय हैंडसम। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग तो नहीं चले, दा नहीं चले। ये दो भाभियों तो देते लला है कि ये दोनों बहुत ही तटीली नतलियां होंगी। वो तटीली नहीं कटीली होता, कटीली नचनिया। क्या बोला? मोथोल मोथोल नहीं, तटीली होता है, तटीली नतनिया होता है। व्हाट एवर यू से। तो हम तो भी तुझ नाच गाना दिखा दो तुम दोनों। नाय बसंती। भाभी जी आप इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ए तू ए थोले का धर्मेंद्र बनने की तोचित मत करा, वरना तू जानता नहीं है मुझे, मैं तुझे दांत लात मारते धकेल दूंगा। नाचिए भाभी जी, क्या कर रही है? भाभी जी आप भी नाचिए। You look cute, I'm sure. हमारे पास टाइम बहुत कम है। ठीक कहा आपने, आप लोगों के पास टाइम सच में बहुत कम है। अरे यार तू कर रहा है, तू फैला रहे हो तो मोरे। हप्पू सिंह जी आपको पता भी है कि इस प्लेन में क्या क्या हो गया है? अरे क्या बताएं गोरी में, जब से ससुर फ्लाइट में चढ़े हैं जब से हो ही तो रहो है। रुकने को नाम नहीं ले रहा हूँ दादा। अरे इनको तो जंगल फिरने से फुर्सत ना है, साला हाईजैक करेगा, हाईजैक करेगा। ए अरे बॉस, तो मुट्ठी आतंकवादी हमारा प्लेन हाईजैक करोगे? हाँ अरे ऐसे तो मारो सारेंगे। अरे नहीं नहीं बस बस। भाई दिया वो तो पहले ही बहुत मार खा चुके हैं, ना ही तो मर जाएंगे अब, ना ही मारिए। गुरु जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इन दोनों को बाथरूम में बंद कर देते और जिंदा पुलिस के हाथों दे देते। नहीं 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 नहीं, देखिए एक बात बोलूं, आप लोग हमको ना दांत से मार दीजिए, लेकिन लेकिन उस बाथरूम में ना लेके जाए दांत, वो निकला अभी नहीं, वहाँ नहीं लेता। अरे दादा पहले हमें बंद कर दो। अब तो को जाए बाथरूम में बंद करेंगे सारे। भाई क्या बात है अंगूरी, भाभी जी आपने तो बहुत बहादुरी का काम किया। भाई अनु और भाभी जी आप लोगों ने कमाल कर दिया। भाई एक बार फिर तालियां भाई। मर्द टांगे वाला हूँ मैं, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त ऊपर वाला। दिया
अजय देखिए भरभूति जी, हमारे जहाज का ड्राइवर तो फिर से बाहर आ गया है। भाभी जी डोंट वरी, जहाज हमारा ऑटो पायलट पे है, मैंने बताया था ना आपको। ये क्या हो गया भैया? प्लेन ऑटो पायलट मोड पे नहीं है, प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अरे कैप्टन क्या कर रहे हैं आप, जाइए जहाज को कंट्रोल में कीजिए। कौन गो? अरे आप, मैं जहाज को कंट्रोल करूं? मैं पायलट थोड़े हूँ, मैं तो टांगा चलाता हूँ। Oh my God, विभो, देखो पायलट के सर पे शायद कुछ चोट लगी है, कहीं अपनी याददाश्त तो नहीं खो बैठे है। Oh God. अरे अरे दादा, ओ भैया, हम जो कह रहे हैं यार, जो तो ससुर टांगे वालों होगा वो कौ और को आते हैं तो हवाई जहाज चला लो। तुम चलाओगे प्लेन? Are you mad? ये हाथ रिक्शा नहीं है तो प्लेन है यार। मैंने कभी हाथ रिक्शा नहीं चलाया। What are you talking? तुमने हाथ रिक्शा नहीं चलाया लेकिन तुम प्लेन उड़ाओगे। What is wrong with you? You are Chhapra University topper. Where is your confidence? Apply yourself, Vibhu. Confidence. तुम प्लेन चला सकते हो। Vibhu, you are Chhapra University topper. चला दीजिए। Vibhu, देखो, हम लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फोन करेंगे और वो जैसे भी इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो भी देंगे, तुम बिल्कुल वैसे ही करोगे। ओके? कॉन्फिडेंस। जल्दी से बैठो। Come on, do something. कुछ करो ना। Yeah, I'm trying to pull it up. Pull it up. भाभी जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये आदमी पूरा जहाज ले डूबेगा। बात करा लीजिए जहाज। अरे हमें आता होता ना तो अब तक हम लैंड करवा चुके होते। तो चुप रहिए ना तिवारी जी, क्यों आप बीच में बोल रहे हैं? विभू, जल्दी से ATC का बटन दबाओ और ATC से संपर्क करो। Come on, do it. ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, हेलो, डिस्ट्रेस, मेडे। भैया जी, ये तो जुलाई चल रहा है। शट अप। हेलो, डिस्ट्रेस, मेडे। हेलो, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में आपका स्वागत है, बताइए हम आपकी सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए, मुझे जहाज उड़ाना सीखना है। जी बहुत बढ़िया, सबसे पहले आप ये बताइए कि अभी आप इस वक्त कर क्या रहे हैं? एक्चुअली मैं जहाज उड़ा रहा हूँ। कमाल के आदमी है आप, जहाज उड़ाने के बाद आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि मुझे जहाज उड़ाना सीखना है। जनाब, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको जहाज उड़ाना नहीं आता है तो आपने जहाज उड़ाया क्यों? मैं जहाज उड़ा नहीं रहा, मुझसे उड़वाया जा रहा है जबरदस्ती। यार आप सीधे सीधे मुद्दे की बात कीजिए ना, फालतू की बकवास क्या कर रहे हैं? तिवारी जी बकवास बंद कीजिए अपनी आप। देखिए, सबसे पहली बात कि मैं तिवारी नहीं हूँ, मैं शुक्ला हूँ। और दूसरी बात ये कि आप एक ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर से इस बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हैं। क्या कर रहे हो तुम, ढंग से बात नहीं कर सकते क्या? देखिए ATC ऑफिसर, आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारा प्लेन हाईजैक हो गया है। जी यस, FS-191 इज हाईजैक। वेरी बैड। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।